तो गाइस क्या हाल चाल है, होप सब बढ़िया। तो साइबर हंटर लाइट की और एक न्यू फ्रेश गेम प्ले में आपकी स्वागत है। और पिछले वाले मैच पे मेरे को यहाँ पे हेल्थ की वजह से मेरी पेटी बन चुका था और यहाँ पे तो उतरते मेरे को हेल्थ मिल चुका है, वो काफ़ी बढ़िया था। तो फिलहाल यहाँ पे एक बंदे तो आए थे लेकिन भाई अभी अपनी मुंडी बाहर नहीं निकलेंगे, तो मैं थोड़ा बहुत लूट वूट कर लेता हूँ। बट वहाँ पर मेरे को कुछ ऐसे खास लूट नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि ये वाली घर पर आते और तभी ना यहाँ पर गन की साउंड आता है, एक बंदा था यहाँ पर, तो लिपटते हैं इसको। देखो वैसे बंदा यहाँ पे काफ़ी प्रो प्लेयर था बट एंड देन इसको मैंने यहाँ पे लपेट ले दो। बाकी यहाँ पे और एक बंदा था जिसकी गन की साउंड तुम्हें देखने को मिल जाएंगे मिनी मैप पे, बट मैं अपनी हेल्थ पहले तो ठीक कर लेता हूँ और उसके बाद जाके ना उस बंदे के ऊपर पुश करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे खामों का रिक्स नहीं लेना चाहता था। इसके ना बेब छोड़ता हूँ, बंदा मेरी क्लोज पे ही था, तो अब इसको लपेटते हैं। तो फाइनली इसको भी मैंने यहाँ पे लपेट लेता हूँ। बाकी यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत लूट वूट कर लेते और हेल्थ और यहाँ पे जो है हेल्थ किट है वो मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा ले लेना चाहिए था, सो दैट्स पर मैं थोड़ा बहुत लूट वूट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे बंदा नहीं था तो गाड़ी लेके मैं निकल के आ जाता हूँ जी वाली जगह पे। और यहाँ पे आती तो मिनी मैप नोटिस करना, तो सामने से मेरे को कुछ गन की साउंड देखता और यहाँ पे मेरे साथ एक न्यू चीज़ होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो फिलहाल मैं यहाँ से निकल लेता हूँ और सामने मेरे को यहाँ पे दो तीन बंदे मिलने वाले हैं, तो अब लुढ़काते एक एक करके। फिलहाल यहाँ पे कि मेरे को यहाँ पे पीछे और एक सामने बंदा दिखता है। वैसे मैंने सोचा था इस बंदे को लपेट लूँगा यहाँ पे, बट इस बंदे की किल मेरे को नहीं मिलता है। यहाँ पे पीछे और एक बंदा था तो उसने इसको लपेट लिया यहाँ पे। फटाफट मैं अपनी हेल्थ से लेता हूँ, इसको लपेट कर यहाँ पे, और फाइनली इसको मैंने यहाँ पे लपेट ले दो। बट वो जो पहले बंदे को मैंने इस पर दिया था ना, उसकी किल मेरे को नहीं मिला था, और कहती मैंने वैसे सोचा भी नहीं था कि मेरी किल यहाँ पे निकल जाएगा। फिलहाल यहाँ पे आसपास बंदे हो सकते थे, सो दैट्स पर मैं सबसे पहले तो घर पे आता हूँ और मैं यहाँ पे थोड़ा सा कन्फर्म हो जाता हूँ कि बंदा आसपास ये या नहीं है। फिलहाल मेरे को यहाँ पे कोई भी गन की साउंड या फोटो स्टेप नहीं देखता, तो मैंने सोचा कि बस चलो लूट करके आते। एंड तभी मिनी मैप नोटिस करना है, गन की साउंड आता है और यहाँ पे एक बंदा था। मैंने सोचा कि ये वाली क्रेट को लूट लेते, बट तभी इस साइड से मेरे को गन की साउंड आता है और भाई स्प्रे भी आता है। बट मैंने सोचा कि बंदा जो है ना ये वाली टावर के ऊपर होगा, क्योंकि वहाँ पे उठने की एक जगह होती है जहाँ पे आप बैठ सकते हो। बट मेरे को गन की साउंड तो दिख रहा था, बट वो बंदा कहाँ था उसकी एग्जैक्ट लोकेशन मेरे को यहाँ पे दिख ही नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे आते। और यहाँ पे आके ना मैं ऊपर देख रहा था बार बार, इस साइड से मेरे को आ रहा था, फिर मैं यहाँ पे ऊपर देखा, बट जब मैं नीचे आ रहा था ना तब मुझे पता चलता कि बंदा पेड़ पे है। और ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम होता है, तो इसको लपेट लेते हैं यहाँ पे। पेड़ तो भाई यहाँ पे टूट चुका था और ये था वो बंदा, तो इसको मैंने यहाँ पे बहुत ही आसानी से लपेट लिया था। वैसे मुझे पता था कि बंदा पेड़ पे चढ़ सकता था, बट मैंने कभी सोचा नहीं था, मतलब ऐसे कभी हुआ नहीं है मेरे साथ कि कोई एनिमी मुझे ऐसे पेड़ के ऊपर मिला, बट मैं ही पेड़ चढ़ के जो है बंदे को मारता हूँ। फिलहाल वहाँ पर मैं मार देता हूँ लोगों को, बट वहाँ से मैं लूट वूट करके निकल ही रहा था। और तभी मिनी मैप नोटिस करना, तो सामने की साइड से ना मेरे को कुछ दवाई वाली गन की साउंड देखता हूँ। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गन की साउंड हो रहा था, और सबसे पहले तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास ना स्कैनर था तो मैंने सोचा छोड़ देते। तभी मेरे को एक बंदा देखता है मेरे क्लोज पे, जिसकी फुटस्ट मेरे को दिख रहा था मिनी मैप पर, वो मेरे पीछे था जेल भी है उसके अंदर। वैसे इन भाई साहब को तो मैंने यहाँ पे बहुत ही आसानी से लपेट लेता हूँ, और इसको मैं लूटने के बैठ ही रहा था कि सामने से मेरे को एक गन की साउंड आता है, और यहाँ पे ये बंदे जो है कुछ हलचल कर रहा है ना, तो तुम्हें जो एक गन की साउंड दिखेगा बट फायर अगर नहीं कर रहा फिर भी दिखेगा। तो मैं यहाँ पर स्कैनर बेब छोड़ता हूँ, मेरे को हल्का सा वो बंदा की लोकेशन पता चलता है, और यहाँ पर आके बंदा छुप के बैठा था। और ये बंदा ना यहाँ पे बैठा था भाई कुछ डर के, क्योंकि सामने और भी बंदे थे जो आपस में फायर कर रहा था, बट इनको पता नहीं चला पीछे से मैं क्या इसका बजा दे दूँ। फिलहाल सामने से मेरे को और एक गन की साउंड दिखता है और एक गन की साउंड दिखता है पीछे से, तो मैंने सोचा कि सामने वाले को ना पहले तो ठोक के आते, पीछे वाले तो भाई दूर है तो वो थोड़ी देर बाद पर आएंगे, सो दैट्स पर मैं यहाँ पर आता हूँ और बंदा मेरे को दिखता है बाहर।
तो इसको तो मैंने यहाँ पे लपेट लिया, तो बट यहाँ पे और एक बंदा था जो वो वाली वायरस के अंदर था। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आता हूँ सेव और मैं अपनी हेल्थ ठीक कर लेते हैं, देन बाद पे जो है इस बंदे को मारने की ट्राई करेंगे। स्कैनर बेब छोड़ता हूँ, बंदे की लोकेशन मेरे को पता चल जाता है लेकिन वो भी बाहर आ जाता है। और बंदा यहाँ पे पत्थर के पीछे कवर ले लेता है, मैं यहाँ पे शेड लगा लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपनी हेल्थ ठीक कर लेते और देखो इसको मारने की ट्राई करते हैं यहाँ पे। वैसे ये बंदा ना काफ़ी खतरनाक प्लेयर था। मैं यहाँ पे टॉवर खड़ा करता हूँ, शेड लगाता हूँ और मैंने सोचा कि भाई हाइट के एडवांटेज लेंगे हम इस बंदे को मारने की ट्राई करेंगे, बट मेरे को आज तक पता नहीं चला ये नेड खेले क्यों गया है और नेड से अगर कोई नॉक भी होता या नहीं होता मेरे को नहीं पता चलता। तो सामने तो ये बंदा था जो मेरे को कंटिन्यू स्प्रे दे रहा था और अचानक मेरे को और एक फोटो स्टेप देखता है जो तुम्हें मिनी मैप पे देखने को मिल जाएगी क्योंकि मेरे क्लोज पे था। मैं यहाँ पे भी आ जाता हूँ पत्थर के पीछे और यहाँ पे ना मेरे को हल्का सा प्रोटेक्ट मिल सकता था। अब इस बंदे को मारने के लिए मैं इस साइड आता हूँ और यहाँ पे ना पीछे से भी मेरे ऊपर स्प्रे आ रहा था, सामने ये बंदा था। तो भाई कभी जहर वाला सीन हो जाता है, भाग के मैं आ जाता हूँ ये कहते और सामने मेरे को एक बंदा यहाँ पे दिखता है जिसको मैं मारने की ट्राई करता हूँ। और इसी टाइम पर मेरी पिन देख सकती हूँ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब यहाँ पे पिन की ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैंने दोनों का रिमोट देखा और ये बंदा पीछे जाके मेरा बजा दिया। तो ऐसे कभी कभी हो जाता है, बट टेंशन लेने की बात है नहीं। मैं एक न्यू गेम प्लस स्टार्ट कर देता हूँ, यहाँ पे आता हूँ क्योंकि ऊपर एक बंदा आया था मैंने देखा था और वो बंदा नीचे आएगा मेरे को मारने के लिए। तो मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा होल्ड कर लेता और ये दुख आ गया। तो इसको मैंने यहाँ पे लपेट लेता हूँ स्कैम करके। वैसे मेरे को यहाँ पे बेस्ट और हेलमेट भी मिला नहीं था अभी भी, सो टेस्ट पर मैंने यहाँ पे स्कैम किया था इस बंदे के पास, स्कैम करके उसको मार दी। फिलहाल मैंने सोचा कि नीचे चलते थोड़ा बहुत हेल्थ मेरे को चाहिए था और तभी पीछे से मेरे को ऊपर एक बंदा स्प्रे देता है। खैर ये बंदा इतना मतलब सही नहीं था, सो टेस्ट पर मैं बच जाता हूँ यहाँ पे और अब इसका पेटी बनाते देखो। वैसे मैं बोल ही रहा था बट ये बंदा भी काफ़ी ख़तरनाक बंदा यहाँ पे मैं मारने के लिए ना बंदा इतना ज़्यादा इधर उधर भाग रहा था। तो मेरी जो एम एसेशन है वो भाई नहीं हो रहा था या मेरी जो सेंसिटिविटी है वो नहीं घूम रहा था। खैर जो भी हो मैं यहाँ पे सोचा कि गाड़ी लेके निकल जाएंगे एंड तभी एक बंदा यहाँ पे था जो खाद ला के बैठा था, अब वो बाहर आ जाता है जिसकी फोटो से मैं देख लेता हूँ। और इसको मैंने यहाँ पे लपेट लेता हूँ, बाकी यहाँ पे और एक भी बंदा नहीं था। और तुम मिनी मैप नोटिस कर सकते हो सर्कल जो है वो काफ़ी दूर बन रहा था, तो मैंने सोचा कि भाई इसी से वाला है कि चलो यहाँ से निकल लेते हैं। वैसे तुमने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साइड पर जो बेल के गए उस भी क्लिक कर देना। रोड पर अगर मेरे को गाड़ी चेंज कर लेते हो यहाँ पर मेरे को मिलने वाला कुछ बंदे, पहले तो ये जिसको मैंने यहाँ पे लपेट ले तो और एक बंदे की मेरे को गलती साउंड आ रहा था यहाँ पे था, तो इसको भी मैंने यहाँ पे काफ़ी आसानी से लपेट ले तो एक बंदे की मेरे को हैंड की साउंड आ रहा था जो ज्वेलरी घर पे था। मैं ऊपर आता हूँ यहाँ पे देखने के लिए और वो बंदा मेरे को दिख जाता है और इसकी किस्मत बहुत ही ख़राब था। तो इसको मैंने यहाँ पे पीछे से आके लपेट लेता हूँ, बाकी यहाँ पे तीन बंदे की पेटी तो बना देता हूँ। फिलहाल मैंने सोचा कि बाहर चलते और तभी मेरे को और एक बंदा दिखता है आते हुए सामने इसी साइड। तो इन भाई साहब को भी मैंने यहाँ पे लपेट लेता हूँ, बाकी यहाँ पे थोड़ा बहुत लूट वूट करके जा ही रहा था और तभी मेरी पीटी बन जाता है। तो गाइस यही था गेम प्ले, वो सीन में दिखाना नहीं चाहता, अपनी बेइज्जत नहीं करना चाहता। तो आई होप वीडियो बढ़िया लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, मिलता नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय।